उसकी लाइट जगा लेता हूँ, एक मिनट ऑन कर। हाँ ये ठीक है भाई, अभी देखिए ये जेल है, अंदर इसके को कैदी है कि नहीं। तो अभी हम लोग तोहफे देखने के बाद अब गूगल मैप से मैं पूछता हूँ कहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ पर? इधर। सो चलिए इधर, इधर क्या है? चलिए अभी इसमें पहले पानी निकालने वाला होता था ये, अब इसमें पानी नहीं है। गाइस हमने सारा किला घूम लिया है और अभी हम लोग तो जा रहे हैं और हमारे जो गांव के। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं जो कि किला है बठिंडा का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किला है और काफ़ी सारे यहां पर कबूतर बैठे हुए हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे किले के अंदर ऊपर सॉरी दीवार के साथ, और काफ़ी शानदार किला है। और अपने भाई भी साथ में, तो आगे जाके अंदर देखते हैं क्या कुछ है किले के अंदर। ये इनका पार्किंग, ये पार्किंग स्थल है, इधर आप देख सकते हैं इधर पार्किंग है और वहाँ पर ड्रिंक पीने के लिए भी कुछ है और बाकी आप देख सकते हैं इधर भी पार्किंग है पीछे भी। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको दिखाएंगे अंदर से पूरा किला। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं किले के अंदर जी। तो ये सामने आप देख सकते हैं गेट है जो कि किले का, ऊपर काफ़ी ज़्यादा पक्षी बैठे हुए हैं कबूतर वगैरह दीवारों के साथ, और ये है गेट, मेन गेट है किले का। अभी हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं ये देख सकते आप दोस्तों। और फिलहाल अभी हम लोग एंटर कर गए हैं, ये है किला आप देख सकते हैं दोस्तों। एक मैं फ़ोटो खींच लूँ अपनी जी। तो ये किला है और सबसे पहले एंटर करते ही इधर शायद जेल है, जेल देखनी है आप लोगों को, आ जाओ चलो मेरे साथ आ जाइए। काफ़ी अंधेरा है और ताला भी लगा, और ये पता नहीं कौन से ज़माने की जेल है, माफ़ कीजिए इसको जेल ही बोलते हैं भाई। हाँ, क्या बोलते हैं है? जेल ही बोलते हैं इसको। लाइट जगाओ और है अभी लाइट जगा ना भाई, थोड़ी लाइट क्या हो गया लाइट कम है। और चलो मैं ही अपना बैक कैमरा करके उसकी लाइट जगा लेता हूँ, एक मिनट ऑन कर। हाँ ये ठीक है भाई, अभी देखिए ये जेल है, अंदर इसके को कैदी है कि नहीं। हथियार पड़े हुए हैं, आप देख नहीं पाएंगे, अभी दिख रहे हैं, अभी देखिए हथियार पड़े हुए हैं अंदर। और फिलहाल और ये गुफा है क्या इधर? नहीं बंद है इधर तो, और इधर भी कमरा है एक। चलिए अब आगे चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग। चलिए आ जाओ। थोड़ा सा शाम का वक्त है, अंधेरा है, अंधेरे की वजह से थोड़ा सा कैमरे का सही एंगल से नहीं आ रहा है, थोड़ा वीडियो सही नहीं आ रही है। अभी थोड़ा बाहर निकल गए, हाँ यहाँ से सही है। और अभी हम लोग किले के अंदर एंटर कर गए हैं। तो ये अपने हनुमानगढ़ टाउन से काफ़ी सुंदर है किला जो बठिंडा का है, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत किला है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको इधर से भी दिखाता हूं मैं, आप ये देखिए बहुत ही खूबसूरत किला है। और आप दीवारें देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से लग रही जैसे अभी तैयार की होगी। और देखें एक गेट तो इधर जा रहा है, सीढ़ियाँ जा रही हैं इधर को, और सामने भी देख सकते हैं आप दोस्तों, सामने भी काफ़ी लंबा चौड़ा ये किला है, सारा किला जो आपको घुमाना है। बाकी अपने साथ भाई हैं, ये सीधे नहीं चलने क्या? हेलो सीधे अच्छा नहीं जा रहे हैं। हेलो और भाई देख रहे हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। और काफ़ी शानदार और खूबसूरत किला है ये, और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं वैसे तो। तो अभी किधर जाना है भाई? चलिए चलिए, हमारे साथ गूगल मैप है, गूगल मैप हमें आगे आगे जा रहा है, गूगल मैप पूरा किला ये हमें घुमाने के लिए, गूगल मैप आगे है, गूगल मैप के पीछे पीछे जाना है। और चलिए यहाँ इधर अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये पार्क है बना हुआ किले के अंदर, ये हनुमानगढ़ टाउन की जो किला है उससे काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा सफाई है। तोहफे कहाँ पर है भाई? अच्छा यहाँ पर तोहफे हैं, चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाइए, तोहफे रखी हुई है यहाँ पर। अच्छा ये नहीं, ये गूगल मैप खड़े हुए हैं, गूगल मैप की तरफ चलना जाए तो। और ये अंदर रखी है आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप दोस्तों तीन है शायद,
तीन तो फिर रखी हुई है, तीन है कि चार? चार है, चार तो फिर रखी हुई है। सो हम लोग तोहफे देखने के बाद अब गूगल मैप से मैं पूछता हूँ कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर? इधर। सो चलिए इधर, इधर क्या है? चलिए अभी हम गूगल मैप के साथ इधर पीछे आगे जाकर देख रहे हैं आगे क्या कुछ है। और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा शानदार आ रहा है, कैमरे का एंगल बढ़िया दिख रहा है और आप देख सकते काफ़ी शानदार किला है। मैं ऐसे ही इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और सफाई बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफाई रखी हुई है और किला बहुत बड़ा है। और आपको सारा किला इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। और हैं अच्छा ठीक है, तो देख सकते हैं आप चारों तरफ पार्क बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, ये देखें। और पीछे पीछे अपने वो दोस्त आ रहे हैं, वो आ जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और पार्क बना है, वो बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस, पता नहीं है थोड़ा सा किले के बारे में जानकारी नहीं है, पहली बार ही आया हूँ मैं तो भाई। और काफ़ी खूबसूरत किला है आप देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, तोहफे दिखाई दिए आपको और भी बहुत कुछ है आपको। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर यहाँ से इस तरह से कैमरे का जो एंगल है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इस तरह से मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। अभी मैं चलिए दोस्तों अभी हम लोग आपको कुछ नया और कुछ दिखाते हैं इंटरेस्टिंग जो कि इस किले में है। तो इंटरेस्टिंग माफ़ कीजिए भाई साहब, इंटरेस्टिंग जल्दबाजी में कुछ है। उधर अपने मौलवी साहब बैठे हुए हैं देख सकते हैं पार्क में, और ये सामने पता नहीं, अभी ऊपर जाके देखते हैं, फोटो वगैरह खींच रहे हैं अब्दुल रज़ाक को। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार आ रहे हैं। और ऊपर क्या है, इधर क्या है ये देखें, और इधर भी ऊपर देखें आप क्या है। इधर हमारे बरकत अली के बेटे वो भी लोग बना रहे हैं। ये यहाँ पर है शायद गुफा है। अरे यार बंद कर रखा है, यहाँ पे तो जाने वाली जगह थी, ये देख सकते हैं आप सीढ़ियाँ नहीं जाना, सीढ़ियाँ यहाँ पर ऊपर जाने नहीं देते, बंद है ऊपर से। बाकी ये देख सकते हैं आप यहाँ से इधर तो जा सकते हैं भाई, इधर आप देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा आगे है नहीं लंबा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं ये कुआं है, और कुएं का वीडियो बंद किया हुआ है, कोई बात नहीं भाई निकल जाएगा। और ये देखिए बरकत ली गए बेटे वीडियो बनाते, अरे ये दिखा दर्शकों को क्या कुछ है, कितने कुएं जने साट दी, थोड़ा सा नीचे करके दिखा देना क्या कुछ है, कुछ है क्या नंगा? तो बंद है, कुछ नहीं है खाली है, बंद है क्या भाई? बंद है जी। अच्छा चलो हमारा भी बना दो वीडियो। इसमें पहले पानी निकालने वाला होता था जी। अच्छा अब इसमें पानी नहीं है। ये देखो पहले यहाँ से पानी निकाला करते थे। ये राजा महाराजाओं के जमाने का है, ये बहुत पहले का है। और नीचे तो यहाँ से उतर सकते हैं वैसे भाई। हाँ भाई उतर सकते हैं। तो दोस्तों ये था माफ़ कीजिए कुआं था राजे महाराजाओं के टाइम का। चलिए अभी आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं किले के अंदर। हमने सारा किला घूम लिया है और अभी हम लोग तो जा रहे हैं, और हमारे जो गांव के भाई हैं वो ढूंढ ढूंढ के अभी आए हैं। ऑटो पर आए ये, और हम लोग पैदल आए, हमारे साथ गूगल मैप है और हम लोग तो गूगल मैप के सारे आ गए, और ये टेम्पो पर आए हैं। गूगल मैप ये रहा, आपको दिखाई दिया दो तीन बार, और ये हमारे साथ है। अब हम लोग जा रहे हैं मित्तल मॉल, उसका व्लॉग हम अलग से बनाएंगे। बाकी हमने आपको किला दिखा दिया, बाकी आप देख सकते हैं ये किला आपको, बाकी और भी
दिखाई दिया यार, अब क्या मैं बोलूं। बरकत भाई आप बाहर के जो कबूतर हैं वो दिखाएं इनको। अच्छा जरूर जरूर, अभी हम जा रहे हैं और आपको बस हवाई है क्या भाई? चलिए तो अभी थोड़ा सा इधर भी जाके आते हैं यार, इधर क्या सीढ़िया वगैरह बनी है, इधर क्या सिस्टम है वो भी देख लेते हैं। और हमारे भाई पीछे आ रहे हैं, क्या नाम है इनका, नाम भूल गया मैं तो, नाम क्या है इनका? मानिकसर वाले भाई, आपका नाम क्या है? शहरी, कैसा नाम है भाई? माफ कीजिए दोस्तों, आगे तो शेर शूटर है इनका नाम, और आगे गुरुद्वारे का जो क्या बोलते हैं नाम शेरी है। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर चलेंगे? मित्तल मॉल। शेरी भाई हमें ले जाएंगे मित्तल मॉल, तो चलो आ जाओ, अभी हम लोग मित्तल मॉल में जा रहे हैं। चलो।